वालों की हार के बोले गाइज, अभी मैं हूँ अयांश बाबू के घर पे। ये देखिए अयांश बाबू है, दिखाइए जी। ये देखिए, ये मुझे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कौन आदमी है। अभी इनको पता नहीं है। ये देखिए इनके एक्सपीरियंस देखिए कैसी है, एक्सप्रेशन देखिए इनकी कैसी है। आइए गाइज, मैं आपको बात कराते हैं अयांश जी के पिताजी से, फादर जी से। सबसे अच्छी बात आपको ये बताते हैं, जब मैंने यहाँ पे आया ना, तो बहुत ही एक बार आने से हमको पता लग गया कि ये बिहार कैसे डेवलप करेगा, कैसे गरीब लोगों की जान बचाया जा सकता है, आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके के सवाल मेरे से भी पूछा है, और लोग जो लोग डोनेट इकट्ठा सहयोग राशि मांग रहे हैं, उन लोगों से सारे लोग ने बहुत सारे सवाल किया है। उन लोगों को सवाल का आंसर मिल चुकेगा, थोड़ा दिन ही मिल ही जाएगा सारे पब्लिक के सहयोग से। सर थोड़ा अपना बारे में बताइए। सर मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है जी, मेरा बच्चा का नाम अयांश है। ओके, हम लोग पटना बिहार के निवासी हैं जी। मेरे बच्चे को बीमारी हुई है, उसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA टाइप 1। सर ये पता कैसे लगा कि ये बीमारी हुआ है? ये पता चला, इसके ब्लड सैंपल लिया गया जी, और लैबोरेटरी में गया जी, लैब के रिपोर्ट से पता चला, इसका जेनेटिक टेस्ट हुआ SMA का, उसमें इसका पता चला कि इसको SMA टाइप 1 नाम की बीमारी है। और ये पता चला बेंगलोर में, हम लोग पटना में दिखाए डॉक्टर गुंजन कुमार को, जो पटना एम्स के HOD रह चुके हैं जी, फिलहाल उनका अपना चलता है बिहार न्यूरो के नाम से। उनको दिखाया गया तो वो बोले कि यहाँ पटना में टाइम बर्बाद मत करिए, जिसको जितना जल्दी हो सके बेंगलोर लेकर के जाए। तो बेंगलोर लेकर के गए, बेंगलोर हम लोग 8 बार 10 बार आए गए लगातार, तो उसी दरमियान पता चला कि इसका सारा रिपोर्ट सही आ रहा है, मगर बीमारी जो है वो घट नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर बोले कि इसका कुछ एक टेस्ट करना होगा, डॉक्टर भी बोलने में डर रहे थे कि कितना खतरनाक टेस्ट था, तो उसके बाद फिर सब कुछ आदमी का खत्म हो जाता है। क्योंकि जिस बच्चे को अगर SMA टाइप 1 हो जाए, तो समझ सकते हैं कि बीमारी में कोई भी बच्चा अपना दूसरा जन्मदिन नहीं मना पाता, यानी कि 2 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाता। तो डरते डरते टेस्ट करवाए तो आखिरकार वही निकला जिसको हम लोग डर खाली कहीं निकले नहीं। सर बताइए थोड़ा कि जो ये बच्चे आपके घर पे है, तो आप जानते होंगे इनका स्थिति कैसी है, इनका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा हलचल इनकी कैसी रहती है, हलचल मतलब कैसे आपको अनुभव होता है कि इनको SMA टाइप 1 बता तो दिए वो डॉक्टर साहब, वो तो पर्चे पे लिख के ही दिए होंगे, और आपके पास से उनका एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए बच्चे। लेबोरेटरी के रिपोर्ट में जब आया SMA टाइप 1 है, तो श्योर हो गया कि SMA टाइप 1 है। बीमारी में होता क्या है कि बीमारी में दिन का दिन बच्चे का मसल्स कमजोर होता है, यानी कि बच्चा जो 6 महीने में जो कर रहा था वो 8वां महीने में वो काम नहीं कर पाएगा, 8वां महीने में जो काम कर रहा था 10वां महीने में नहीं करेगा, अगर 10वां महीने में काम कर रहा था तो 12वां महीने में नहीं करेगा, यानी कि हर दिन ये इसका समस्या बढ़ते जाएगा। और 18 महीना होते होते खुद से खाना निकल नहीं पाएगा, खुद से सांस नहीं ले पाएगा, इसको मशीन लगा के सांस देना पड़ेगा वेंटिलेटर पे, और खाना इसको ट्यूब से देना पड़ेगा। डॉक्टर तो खैर अभी ही बोला है कि ट्यूब से खाना दीजिए इसको, फिर सरक जाएगा खाना अगर गलती से, तो फिर निमोनिया हो जाएगा तो फिर बचाना मुश्किल है। तो कितना गंभीर बीमारी आप समझ सकते हैं कि 2 साल होते होते कोई अंग काम नहीं करता है, यहाँ तक कि ये खाना भी निगलने में असमर्थ हो जाएगा, सांस लेने में भी असमर्थ हो जाएगा। ओके, तो लास्टली आप जानते हैं क्या होगा, तो इतना ये खराब बीमारी है, मतलब ये जो 6 महीना पहले करता था आज 10 महीने में वो काम नहीं करता है,
और 2 महीने के बाद अभी जो कर रहा है वो भी नहीं कर पाएगा। गाइज ये सारी स्थिति इन बच्चे में एक्सपीरियंस देखा गया है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा सारे बिहारियों से कम एक एक दो दो रुपया अगर दे दीजिएगा ना तो आपको कम नहीं जाएगा। लेकिन अदर स्टेट में अदर कंट्री में आप जाइएगा ना तो गर्व से बोलिएगा कि हम बिहारी में इतना टैलेंट है ना, इतना एकता है ना, गर्व से कहिएगा कि हम लोगों ने कुछ ही दिन के अंदर में ही 16 करोड़ रुपया एकत्रित कर चुका है। ये सबसे बड़ी बात है, कहेंगे कि नहीं सर आप भी गर्व से। जी हम लोग 12-13 करोड़ बिहारी हैं जी, और एक बच्चे की जान पे आफत आ गई है जी, तो 12 करोड़ बिहारी अगर 1.5 रुपया भी दे देंगे प्रत्येक बिहारी जी तो 16 करोड़ हो जाएगा, 18 करोड़ हो जाएगा जी जी। तो यही विनती है सभी लोग से, सारे बिहारियों से, सारे हिंदुस्तान देशवासियों से कि ज़्यादा नहीं, अगर 1-1.5 रुपया भी दे दीजिएगा ना तो 18 करोड़ आराम से हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि अगर ये बच्चा बच जाएगा ना, इंजेक्शन लग जाएगा, तो हमेशा के लिए बिहार में एक उदाहरण पेश होगा कि बिहारी मिल करके और देशवासी मिल करके एक बच्चे का जान बचाते हैं। गर्व से बोलेंगे कि हम बिहारी में इतना टैलेंट है ना, कहीं भी जाइएगा ना तो गर्व से कहिएगा कि 1 महीना के अंदर में 16 करोड़ रुपया एकत्रित कर चुका हूँ। जरूर अगर आप देश विदेश में कहीं भी जॉब या बिजनेस करते हैं ना, जरूर आप बोलते होइएगा। हमारा द मार्केट न्यूज देखते हैं ना जितने भी लोग, सारे लोगों से विनती है कि कम से कम 1 रुपया भी गूगल पे जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा ना तभी अगर वीडियो देख रहे हैं किसी भी न्यूज पर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने स्टेटस पर लगा लीजिए। यही मैं बार बार बोलना चाहूँगा आप लोगों से, ताकि जिन लोगों को दिल में थोड़ा भी आस हो ना, जरूर वो 1-2 रुपया 10 रुपया जो उनसे होने वाला है वो जरूर करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अपने देश अपने बिहार के नीतीश कुमार सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से ना आपको कहना चाहिए, आप नीतीश जी से क्या कहना चाहिए? हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना समस्या जानते हैं, पत्रकार पूछे तो बोले कि हाँ मुझे मालूम है, मगर वो बोल दिए कि मेरे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं। वो वीडियो वायरल भी हुआ है, मैं भी उस पर वीडियो बनाया जी, तो बोल दिए कि मेरे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है, सभी लोग मदद कर रहे हैं और भी लोग मदद करिए। तो हम उनसे यही विनती करते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि हम भी आपके बच्चे जैसे हैं, आयान साहब के पोता जैसा है, थोड़ा मानवीयता दिखाइए और कुछ न कुछ रास्ता निकालिए जिससे कि मेरे बच्चे का जान बचाई जा सके। आपको कितने सहयोग राशि देने के मांग कितने दे रहे हैं अभी तक, ऐसा दावा कि कितना बताएगा कौन? नीतीश जी ने कुछ बताया ना कि जितने हेल्थ सेंटर से हेल्थ केयर से जितना हमारे मैक्सिमम हो सके उतना मैं करूँगा। हाँ हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला जी, उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपया ही आपको अधिक से अधिक मदद सरकार की तरफ से कर पाएंगे। गाइस ये सही बात बता रहे हैं कि 12 लाख रुपया आने में भी अयांश जी के अकाउंट में, अयांश बाबू के अकाउंट में 12 महीना प्लस लग जाएंगे। ये बताइए उनको इंसानियत के नाते, वो भी इंजीनियर है, नीतीश बाबू जी भी इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, उनको 5 रुपया जरूर सहयोग करना चाहिए इंसान, 5 रुपया नहीं तो 5 लाख आप कर सकते हैं कि नहीं? मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे देशवासियों आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, आप इंसानियत के नाते कम से कम भेंट करने तो आइए, नहीं अगर आइएगा तो आप अपने फेसबुक पर ऑफिशियल फेसबुक पर यूट्यूब चैनल पर कम से कम आप इनका नाम भी जरूर लिखिएगा। चलिए इन सर के मैडम जी से अयांश जी के अयांश बाबू के मम्मी से आपको बात थोड़ा कराएंगे। अरे एक आदमी का टैक्स अगर ले लिया जाए ना तो इसको लेकर पुर जाएगा, ऐसा ऐसा हम फैक्ट्री का वीडियो बनाए हैं। अरे वो मैं जानता हूँ, 10 लाख के माल बेचता है और टैक्स कटवाता है 10,000-20,000। मेरे कहने का मतलब है ये पत्रकार नहीं
गाइज अभी मैं हूँ अयंश बाबू के पास में। देखिए ये कैसे ये अपनी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। ये देखो बताओ, बोलो 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 बोलिए। जीव निकाल रहे हैं। जब यहाँ पे आइएगा ना तो इनके भावनाओं को आप समझ सकते हैं। ऐसे वीडियो आप देखते होइएगा ना तो आप 10 रंग के दिमाग में आइडिया निकालते होइएगा। ये न्यूज वाले है ना कमाने के तरीका अपना रहा है और वायरल होने का तरीका अपना रहा है, ये भी सोचता होगा। आप अगर आप पर भीलेगा ना ऐसा तब तो आपको पूरी प्रश्न का जवाब निकल जाएगा। ऐसा भगवान करे ना हो आपके संग। आइए यहाँ पे एक मैडम जी है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ है? ज्योति सिंह। अच्छा यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं लगभग कितने आदमी एक दिन में आ जाते हैं यहाँ पे? देखिए ये तो बताना मुश्किल क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं। और कहाँ कहाँ से आते हैं? क्या बिहार के अलावा अदर स्टेट से भी आते हैं? बिहार के हर जिला से, यूपी से, जो जितना अभी तक हो सका है लोग से आ रहे हैं। और जो नहीं आ पा रहे हैं कम से कम पोस्ट जरूर कर रहे हैं और अयंश की मदद जरूर कर रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात बता रहे हैं कि जितना भी हो सके आप लोग भी सहयोग कीजिए। अगर आप नहीं जान कर भी अनजान बन रहे हैं ना तो आप इंसान नहीं है। क्योंकि आज मैं यही सोचता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक बच्चा के लिए आप इतना सारे मीडिया वाले प्रश्न उठा रहे हो। भाई मेरी 21 साल उम्र है, अभी तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं, एक बार होने तो दीजिए। ऐसा लाखों करोड़ों अयंश बाबू बच सकते हमारे देश में, बचेंगे कि नहीं? बिल्कुल बचेंगे। जिस तरीके से लोग साथ दे रहे हैं और सब सामने आ रहे हैं, खासकर हमारी आम जनता जिस तरीके से साथ दे रही है, बहुत अच्छी बात बताए हैं। आइए आप सर कहाँ से आए हैं? कौन पहले से बता दीजिए। हम तो इसे यहाँ पे दिखाई मिस्टेक से मतलब नहीं लिखना चाहिए था नंबर। नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे में पता लगेगा कि चलिए इन्होंने दिया। आपको बड़ी सीतामढ़ी से हूँ, इतना बोलते बोलते मेरा कुछ लोग जानते भी नहीं। थोड़ा जरूरी है जितना बोलिए उतना एक्सपीरियंस बढ़ने का। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ऐसे पब्लिक बोले। चलिए कोई नहीं, चलिए सर इनसे पहले आपसे बात करूं क्या? यस। देखिए अयंश बाबू से मिलने एक स्टूडेंट आए हैं। सर आप कहाँ से? कश्मीर से। पान देखिए आप क्या लेकर आए हैं अयंश बाबू के लिए? अयंश के लिए हम स्केचिंग किया जी, पैसा वगैरह भी डोनेट करने के लिए जितना हो सके हम जो जी। ये देखिए पनीर का देखो बताइएगा पनीर दिखाइए। आप खुद से बनाए हैं सर? खुद से बनाए हैं जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए जीवन मांगे अयंश, सेव अयंश। मनीष सर भी आपके ही गांव से है क्या?
गांव से नहीं है, मेरे विधानसभा के विधानसभा से विधानसभा जी। सर आप क्या करते हैं? ऐसा अप्लाई करते हैं जैसे जानकारी। देखिए उन्होंने उनके दिल में भी कुछ खास जगह है अयांश बाबू के लिए, ये भी आए हैं। आप लोग भी नहीं आ सकते हैं ना, तो वहाँ से भी आप एक पोस्ट जरूर अयांश बाबू पर कीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, तो देखिए एक पिक्चर लेकर आए हैं बना कर लिया। इनके जीवन के बारे में इन्होंने ऐसा कही, कुछ ऐसे कुछ कह के गए हैं ना, से वो आया बहुत, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मैं आपको बात कराते हैं अयान जी की मम्मी जी से। गाइज आप जानते ही हैं, आप भी किसी न किसी माँ के बेटे या बेटी होंगे। चलिए एक ऐसे माँ से मिलाते हैं जिनका नाम मैं नहीं कहूँगा, कहते कहते मैं थक गया, मेरे गाला सूख गए हैं, आप लोग जानते ही। अगर नहीं जानते हैं ना, तो सारे अखबार में सारे न्यूज पर यही वीडियो चल रहा है। चलिए आइए आपको बात कराते हैं अयांश बाबू के मम्मी जी से। थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मेरा तो सर अभी यही पहचान है कि अयांश की माँ है। इनके बारे में थोड़ा बताइए, आपको कैसे कब पता लगा कि इतने बड़ा रोग हो चुका है? सर इसका रिपोर्ट तो 23-24 दिन पहले आया कि इसको ऐसे में टाइप 1 नाम का बीमारी है, लेकिन इसका जो सिम्टम्स है सर ये 2 महीने का था, तब से ही शुरू हो गया था। और उसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराए, ये जो 8 महीना बीच का है ये पूरे टाइम में ट्रीटमेंट नहीं रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 16 करोड़ का इंजेक्शन है। भाई हम बिहारी कितने हैं आपको पता ही होगा, नहीं जानकारी है ना तो आप गूगल चलाते हैं ना, तो गूगल बाबा पर जाके सर्च कीजिए बिहार पॉपुलेशन, आपको सबसे टॉप रिजल्ट आएगा 12 करोड़। अभी बताइए 15 करोड़ तक हो चुका है, आ इनको कितना पुराना है, मात्र 16 करोड़। हम बिहारी अगर एक हो जाए ना तो 16 जोड़िए 32 करोड़ पूरा सकते हैं, 2-2, 4-4 रुपया देकर। तब जाइएगा ना दूसरा स्टेट में, दूसरा कंट्री में जाइए ना, तो जरूर आप गर्व से कहिएगा कि हम बिहारी में इतना टैलेंट है ना, एकता है ना, कि हम लोगों ने मिलकर अयांश बाबू के लिए 16 करोड़ रुपया एकत्रित कर लिया है 1-2 महीना के अंदर में। गर्व से कहेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल सर, और ये गर्व वाली बात भी होगी क्योंकि 16 करोड़ सच में एक बड़ा अमाउंट है। 16 करोड़ सच में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक ये मैसेज जाएगा एक सब लोगों को जिनके बच्चे, जैसा कि बहुत सोशल मीडिया पे ये चीज आ भी रहा है कि 5,000 रुपये में जब के लिए बच्चे मर जा रहे हैं, 10,000 के लिए बच्चे मर रहे हैं, तो आप लोग 16 करोड़ की जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो मैं उनसे बस यही एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि 5,000 के लिए अगर बच्चे मर रहे हैं तो आप क्यों मरने दे रहे हैं? ये आपकी फॉल्ट है। जी मैं अभी बात करना चाहूँगा। देखिए अभी तक मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि हमारी उम्र कितनी है, अभी तक ऐसा किसी ने किया ही नहीं है, अभी तक हुआ ही नहीं है बिहार में। एक बार होने तो दीजिए, जरूर लाखों करोड़ों अयांश बाबू जैसे सहयोग राशि जिन लोगों के गरीब लोग बचे हैं, जो लोग पैसे एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जरूर अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा बताइए कि इनका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कि आप माँ हो इनकी, तो आपको थोड़ा तो जरूर पता होगा कि इनका भावना मतलब कैसे एक्सपीरियंस इनकी कैसी रहती है जब आप खेलाते हैं, जब सोते हैं। सर ये इन सब चीज़ों में ये एकदम ठीक है, मतलब ये खेलता है, भूख लगेगा तो रोएगा जैसे नॉर्मली बच्चे रोते हैं, या फिर हम इसके पास से चले जाएंगे तो ये रोता है, मतलब इन सब चीज़ों में ये ठीक है। इससे जो प्रॉब्लम है, इस मेन इसका प्रॉब्लम सर मसल्स से है, इसका मसल्स जो है ना दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, और हेड कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये सब चीज़ इसको प्रॉब्लम हो रहा है सर। देखिए इनके मम्मी बता रहे हैं कोई भी नहीं समझ सकते हैं,
आपके मम्मी और पापा जरूर आपके दिल जानते होंगे कि मेरे बेटा और बेटी में क्या ढूंढ रहा है, जरूर आप सोचते होइएगा। ये इनके मम्मी सही बता रही है, सारे लोग भी जानते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं ना SMA टाइप 1 रोग के बारे में तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, भारत में इसका इलाज है ही नहीं है। अच्छा, आपको कैसे कब पता लगा कि ये बीमारी है, थोड़ा बताइए। अभी सर ये 2 महीने तक एकदम नॉर्मल था, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे हाथ पैर चलाते हैं, खेलते हैं, सब कुछ ठीक था। 2 महीने के बाद से ये स्लो होते चला गया और स्लो पढ़ने लगा, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बात कराया, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन निकला। फिर हम लोग इसको लेकर बैंगलोर गए, वहाँ इसका ट्रीटमेंट चला। तो उस समय हमें नहीं पता था कि इसे SMA1 है, क्योंकि उस समय रिपोर्ट में कुछ डॉक्टर बोले कि हाइपोटोनिया है, इसका थेरेपी होगा तो ये ठीक हो जाएगा, मेडिसिन चलेगा। वो कंटिन्यू चलता रहा सर, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा था। पिछले 2-2.5 महीने से सर ये इसका नेट कंट्रोल है वो ख़त्म हो रहा था, जो कि आ चुका था वो चीज़ उसका ख़त्म हो रहा था। फिर हम लोग इधर बिहार में वो है वहाँ गए तो डॉक्टर बोले कि इसका जो टेस्ट है वो यहाँ नहीं हो पाएगा, मेरे यहाँ बैंगलोर में हो पाएगा। वहाँ पर लेकर गए वही 22 दिन पहले इसका पता चला जैसे ऐसे ऐसी है। ये देखिए अभी सोए हुए हैं अयांश बाबू, दिखाइए। आप जानते ही हैं हमारे बिहार के और देश के प्रत्येक नागरिक कल क्या नरेंद्र मोदी भी बन सकते हैं, नीतीश कुमार भी बन सकते हैं और देश को संभाल सकते हैं, फौज भी बन सकते हैं। तो भाई एक बार आप लोग सहयोग कीजिए, सारे लोग मिलकर इनका सपोर्ट कीजिए, और जब एक बार ये हो जाएगा ना, सारे लोगों में मैडम भी बोल रहे हैं कि मैसेज पहुंचेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि लोग पुराने कहावत है, एक बिहारी 100 पर भारी। तो क्या हम 100 बिहारी सारे बिहारी मिलकर एक बच्चा के जान नहीं बचा सकते हैं? बिल्कुल सर, और अब तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो भी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं वो या तो पुअर फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं या जो भी हैं, मतलब इसी कैटेगरीज के लोग हैं, कोई बड़ा आदमी या कोई रिच पर्सन ये सब लोग नहीं है। तो उम्मीद तो सर हम करते हैं कि अगर हमारा बच्चा बचेगा तो ही वो। ये बात आप सही बताए हैं कि जो लोग गरीब से अमीर बनते हैं ना, वो लोग गरीबी देखे होते हैं, उनके दिल में आस नाम के और भावना नाम के चीज होती है। और ये एक राजा बाबू के नाम जाने हैं, गोलू राजा के बारे में सुने हैं? जी जी सर। वो कुछ वो स्टेज पे जाकर ऐसा शब्द, उनके भी माता पिता होंगे और बच्चे होंगे, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं 1 रुपया दे सकते हैं ना, नहीं इनके बारे में आप पोस्ट लिख सकते हैं, तो आप गंदा शब्द भी नहीं बोलिए। और लोगों को क्या बोल रहे हैं आप कि ये जितने भी न्यूज वाले हैं ना, पैसा कमाने का तरीका अपना लिया है, वायरल होने का तरीका अपना रहे हैं, तो आप भी गाली सुनने का एक तरीका अपना रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। सुने हैं आप गोलू राजा के बारे में? बिल्कुल सर सुने हैं, लेकिन वो फोन किए माफी भी मांग चुके हैं, तो उनके ऊपर बात करना हमको नहीं लगता कि सही है, क्योंकि माफी भी मांगे हैं जी। बताइए, इतने गंदे तरीका से सोच लिया है, बिल्कुल गंदे तरीका से सोच लिया। आप लोग भी, उनका वीडियो वायरल हुआ है। तो अभी मैं हूँ अयांश बाबू के घर पे। थैंक यू सो मच द मार्केट न्यूज वॉचिंग।